चैनल में। तो जैसे कि आप लोगों ने पार्ट टू में देखा था कि गियरबॉक्स का फिटिंग कैसे किया जाता है, आप लोगों को बताए थे फिटिंग कैसे फिटिंग किया जाता, पूरा डिटेल्स बताए थे। अब इस पार्ट टू में आप लोगों को बताएंगे कि क्लच का फिटिंग कैसे किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो भी एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डीवीडी पिनन को लगाएंगे, इसके बाद यहाँ वॉशर लगाएगा, यहाँ पर वॉशर को लगाएंगे, ये वर्सल है, इस वर्सल को लगा लेंगे। अब जो लगाना है इस बार एक बूस रहेगा, एक बूस को भी लगाना है, एक बूस को लगा लेंगे, इजीली चल जाएगा अंदर। इस क्लच हाउसिंग को चेक कर लेंगे, प्ले तो नहीं, प्ले अगर होगा तो इसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो चलिए क्लच हाउसिंग को भी लगा लेते हैं। क्लच हाउसिंग को लगाने से पहले बाद में इसके बाद एक पतला वॉशर रहता है, इस वॉशर को भी लगा लेंगे। इसके बाद हमको जो लगाना है, ये दोनों वॉशर को लगाना है, यहाँ एक लगाना है और इधर एक लगाना है, लग के इसका इसको वॉशर ये वाला अंदर करेंगे, वॉशर साइड को चल गया अंदर। क्लच प्लेट का फिटिंग बताएंगे, क्लच प्लेट एक क्लच प्लेट एक प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट फिटिंग करना है इसको, इसको फिटिंग कर देना है। चलिए इसको हम लगाते हैं। इंजन फिटिंग करने से सफाई का बहुत ध्यान रखिएगा, सफाई कीजिएगा, इंजन का सबसे ज़्यादा रहेगा लाइफ, बहुत 50,000-60,000 किलोमीटर तक इंजन चल जाएगा अच्छा से। अगर आप कम कीजिएगा सफाई के साथ तो आपको इसका अच्छा लाइफ मिलेगा। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं। चल गया अंदर ही, अंदर चल गया आराम से। अब यहाँ एक वॉशर लगाना है, अब नट को लगाना है, इस वॉशर को लगाना है, वॉशर लग गया, अब नट को लगाना है। बहुत सारे मैकेनिक गलती कर देते कि यहाँ नट में थोड़ा मार के बोलते हैं, प्लीज ना थोड़ा मत मारिए, उसका रेंज से खुलने से देखिए से आराम से खुल जाएगा ही, पूरा मन से साफ बैंड होने का चांस रहता है। चलिए इसको टैग करते अच्छा से, फिल्टर्स अच्छा से पकड़ लेंगे इसको, टैग करेंगे। टाइट हो गया, अब चार स्प्रिंग लगेगा, पट्टी लगेगा, डेढ़ सौ बताएंगे सबसे चारों गोल्ड पट्टी लगेगा। इसको बराबर टाइट करेंगे, जब प्लेट ऊपर का है टूट जाएगा नहीं।
से टाइट करेंगे इसको। टाइट हो गया, अब जो हमारा है बाटी को लगाएंगे, टेनो का दो बोर्ड रहेगा। जो ऑल मेटल बाइक का था उसमें 10 नंबर का दिया था टेनो का, इसमें टेनो का बोर्ड है। न्यू मॉडल गाड़ी है, इस बाइक का कनेक्ट में बैरिंग टूट गया था इसलिए फुल इंजन खोलना पड़ा। बुरी तरह से टूटा था कनेक्टिंग का बैरिंग, फुल इंजन खोले थे इसका, फुल इंजन का शुरू कर दिया। अब बैलेंसर को लगा, बैलेंसर लग गया, एक बर्सर रहेगा उस सर को लगाएंगे। अब इस नट को लगाएंगे, सर में सीधा गुना होता है, उल्टा गुना नहीं होता है इसमें। चलिए इस नट को अच्छा से टाइट करते हैं। मिस्टेक हो गया थोड़ा, अच्छा सा अच्छा सा टाइट कर जाएगा इस बैलेंसर में आपको, तो गाड़ी वाइब्रेशन का चांस गाड़ी में बढ़ जाएगा ज़्यादा। अब यहाँ पे पैकिंग आएगा, पैकिंग ना आपको ढक्कन को बिठाते हैं, इसके ऊपर प्लेट बैठ गया। अब चार स्क्रू को कस लेना है, अच्छा से टाइट मारेंगे सारे स्क्रू को, अच्छा से टाइट करेंगे। अब चलिए ढकना चैम्बर को लगाते, थोड़ा थोड़ा बोन क्लोज करेंगे, अब पैकिंग लगा के लगाएंगे, ज़्यादा बोन क्लोज नहीं, थोड़ा थोड़ा बोन क्लोज करेंगे। चलिए बोल लगा दिए, अब पैकिंग लगा दिए, खास पिंडाल का ध्यान रखिएगा, गर्म पिंडाल होना चाहिए। इस बूस का ध्यान रखिएगा, प्लग निकलने से पहले प्लस कवर पर। चलिए इसको बिठाते हैं, तो बिठाते हैं हैम्बर का कुछ नहीं करना है, इजीली चल जाएगा। मेरा चैम्बर बैठ चुका, अब जो उसको जितना भी स्क्रू है, जितना भी फटे लंबा बोल्ट है सबको लगाएंगे। लंबा बोल्ट यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा लंबा बोल्ट, तीन लंबा बोल्ट रहा था इसमें, और एक लंबा बोल्ट यहाँ लगेगा।
सब बोर्ड को कसते हैं। सारे बोर्ड कस लिए, अब नट साइड को फिटिंग करेंगे। नट साइड को फिटिंग करेंगे, सबसे पहले टाइमिंग चेन लगाएंगे। चलिए टाइमिंग चेन को लगाते हैं। इसको लगाने लग गया। अब फिर हेड सिलेंडर रेफरिंग पार्ट थ्री में आएगा। ये पार्ट टू था, पार्ट थ्री में आप लोगों को बताएंगे हेड सिलेंडर का फिटिंग करना है, टाइमिंग चेन का टाइमिंग कैसे लेना है, वो एडिटर के साथ बताएंगे। चले मिलते हैं पार्ट थ्री में। वीडियो पसंद अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं पार्ट थ्री में।